अब आप अपने मीटर का लोड घर बैठे ही ऑनलाइन कम या ज्यादा कर सकते हैं। पहले आपको इस सुविधा को लेने के लिए BSES ऑफिस के चक्कर लगाने पड़ते थे, पर अब ये सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करा दी गई है और आने वाले समय में इसे BSES एप्लीकेशन में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे हम अपने मीटर का लोड, जिसे हम किलोवाट कहते हैं, उसे कम या ज्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप क्या करेंगे कि किसी भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर ओपन करेंगे, वहां पे टाइप करेंगे BSESdelhi.com देन एंटर। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये सुविधा सिर्फ ऑनलाइन उपलब्ध है, अभी आप इसको एप्लीकेशन में यूज नहीं कर पाएंगे। आने वाले समय में इसको एप्लीकेशन में भी लागू कर दिया जाएगा। अभी जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रोसेस ऑनलाइन का है। वेबसाइट का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। फिलहाल मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपके सामने BSES राजधानी पावर लिमिटेड का जो पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, आप जाएंगे कस्टमर में, अब जाएंगे आप माय अकाउंट में। माय अकाउंट में जाने के बाद आप जाएंगे सर्विसेज अपॉइंटमेंट पे, आप इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद आपको एक सेक्शन मिलेगा लोड चेंज का, आप इस पे क्लिक करेंगे और ऑप्शन है इसका। मैं किसी और वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ एक और वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊं, तो आप मुझे मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसी टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा जिस पे ज्यादा मेरे कमेंट्स आएंगे कि वीडियो पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। फिलहाल मैं आपको लोड, मतलब मीटर में जो किलोवाट है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं अभी उसके बारे में बता रहा हूँ, और कैसे हम उसका लोड बढ़वा सकते हैं। तो नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ अपना जो भी आपका CA नंबर होगा, जो आपके बिल में मेंशन रहता है, आपको उसे यहाँ पे डालना होगा। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक बिल का सैंपल दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने CA नंबर आपको बता रखा है, आप इसको देखिए। आपको यही CA नंबर एंटर करना होगा। CA नंबर डालने के बाद हम इसे सबमिट कर देंगे। जैसे ही हम इसमें सबमिट करेंगे, हमारे फ़ोन पे एक OTP रिसीव होगा हमें। अब मेरे पास OTP आ चुका है दोस्तों, मैं अपना OTP यहाँ पे फिल कर लूँगा, देन आप इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारा नेक्स्ट पेज ओपन हो चुका है, अब हम इसे नेक्स्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इसे नेक्स्ट करेंगे, ये हमसे पूछेगा इन्हेंसमेंट और रिडक्शन। अगर आपको लोड बढ़वाना है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, अगर आपको लोड कम करना है तो आप रिडक्शन को सिलेक्ट करेंगे। फिलहाल हमें लोड कम करना है, तो किलोवाट जो होता है मीटर में, आपको मैंने बताया था बिल में, आप इसको यहाँ पे मान लीजिए अगर आपका किलोवाट 4 है, आप उसे 2 करना चाहते हैं तो आप 2 डालेंगे, देन आप इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे अपना जो भी आपका लैंडलाइन नंबर है, अगर आप देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इसमें आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल देंगे, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर डाल देंगे, देन आप यहाँ पे नेक्स्ट का एक टैब मिलेगा आपको प्रीवियस के बगल में। अभी फिलहाल यहाँ पे एप्लीकेशन का टैब आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो जिनकी भी नाम पे बिल आता है तो उनका आपको फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे हम अपलोड कर लेते हैं। अब देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने यहाँ पे अपना जो फोटो है और सिग्नेचर है उसे अपलोड कर लिया है। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा आपके सामने, ये प्रीवियस है और यहाँ पे इसके सामने नेक्स्ट का ऑप्शन है, आप इस पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसे नेक्स्ट किया, यहाँ पे हमारे 4 स्टेप पूरे हो चुके हैं। पहला है एप्लीकेशन डिटेल, फिर है लोड चेंज डिटेल, फिर अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर, अब नेक्स्ट में आ रहा है अपलोड डॉक्यूमेंट। तो अब आपको क्या करना होगा दोस्तों, अब ये पर्सन वाला आप सिलेक्ट करेंगे, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे। पर्सन पे सिलेक्ट आपका बाय डिफॉल्ट रहता है। अब इन सब में से आपको कोई भी एक डॉक्यूमेंट लगाना होगा, चाहे तो आप इलेक्ट्रोल मतलब वोटर आईडी कार्ड लगा सकते हैं, पासपोर्ट अपना लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हैं, आधार कार्ड लगा सकते हैं, या कोई भी फोटो आइडेंटिटी कार्ड इश्यूड बाय एनी गवर्नमेंट एजेंसी, या अपना पैन कार्ड। तो इनमें से मैं फिलहाल अपना पैन कार्ड ही लगाऊंगा, तो इसको मैं अपलोड कर लेता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने अपना पैन कार्ड अपलोड कर लिया है। जैसे ही आप इसमें सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पे क्लिक करेंगे, तो आपका यहाँ पे लिखा हुआ आएगा सक्सेसफुली अपलोडेड। देन आप जाएंगे, सबसे मेन पार्ट इसमें एक ही है, लास्ट पेड बिल कॉपी। आपने लास्ट मंथ का या करंट मंथ का जो बिल अगर आपका आ चुका है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं अपना बिल अपलोड कर लेता हूँ करंट मंथ का, जो मेरा इशू हो चुका है। अब देख सकते हैं कि आप दोस्तों, मैंने अपना जो लास्ट मंथ का या करंट बिल, आप जो भी आपका इशू हो चुका है, आप उसको अपलोड कर देंगे। तो मैंने अपना जो बिल है वो अपलोड कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि लास्ट पेड बिल, अगर मान लीजिए आपका अगस्त का बिल है तो आप उसको अपलोड कर सकते हैं, अगर आपका मान लीजिए सितंबर का बिल जनरेट हो गया है तो आप उसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसको आप स्क्रॉल करेंगे, जैसे आप इसे नेक्स्ट करेंगे, आप देख सकते हैं कि एक अंडरटेकिंग है, आपको कुछ नहीं करना होगा, आपको यहाँ पे वेरीफाइड ऐड करके नेक्स्ट करना होगा।
दोस्तों जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे आपका एक सर्विस ऑर्डर नंबर जनरेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना होगा, आप दोबारा से वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्वेस्ट स्टेटस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो भी आपका सर्विस ऑर्डर नंबर होगा उसको आप यहाँ डाल के आपका जो भी स्टेटस होगा आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपने लोड कम करने के लिए किया है तो 7 दिन के अंदर अब वो लोड कम हो जाएगा, अगर आपने उसको बढ़ाने के लिए किया है तो वो भी 7 दिन के अंदर बढ़ा दिया जाता है लोड जो आप अप्लाई करते हैं। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।